ये जिस बाग की इस वक्त फोटोग्राफी की जा रही है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बाबरकत इसलिए भी है कि जब इस बिल्डिंग में जिसकी छत पे ये चीज़ें देख रहे हैं हम, नीचे दारुल हदीस हो और ऊपर सामने हमारे दारुल कुरान हो, तो कुरान और हदीस के दरमियान में जब ये होगा तो ये तो वैसे ही बड़ा मुतबर्रिक हो जाएगा। जब इसका संगे बुनियाद रखा गया था उस वक्त जनाब शेख अब्दुर्रहमान अत-सुदैस जो इमाम काबा हैं वो भी तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत मौलाना मोहम्मद उबैदुल्ला साहब वो भी तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु वो भी तशरीफ़ फरमा थे, और बहुत बुजुर्ग हस्तियाँ थी, हज़रत मौलाना फजलुर रहीम साहब मौजूद थे, तमाम हजरात यहाँ मौजूद थे। नीचे दारुल हदीस है, ये पूरा दारुल कुरान है। लाइब्रेरी का नाम हमने रखा है अब्दुर्रहमान लाइब्रेरी, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु के नाम पर ये लाइब्रेरी बनाई गई है, जो ख़ास शोबा हिफ्ज़ के बच्चों के लिए है, जहाँ बड़े बच्चों की आमदोरफ्त नहीं है उनकी लाइब्रेरी सेपरेट है और वो नीचे बनी हुई है। ये सारी चीज़ें इन बच्चों के लिए हैं जो यहाँ कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, कि जिसमें ऑडियो वीडियो और मल्टी मीडिया की हर किस्म की सहूलत मौजूद हो, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में जो जो भी ज़रूरियात पेश आ सकती हैं उन चीज़ों से इस्तेफादा किया जा सके। أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لم تتصل کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو اور ایسے رزق کا جو کشادہ ہو ہر بیماری سے شفایاب ہونے کا اذان کے بعد کی دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آپ اس وقت اس بلڈنگ میں اس وقت ہم ہیں, ये हमारा दारुल कुरान है। आप देख रहे होंगे कि गमलों के साथ और सफाई के साथ इसको मुजयन किया गया है, और हर क्लास में हमारे एसी लगे हुए हैं, वाटर डिस्पेंसर है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, इनकी मॉनिटरिंग का पूरा इंतज़ाम है ताकि बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुला और कुशादा माहौल है, बड़े हमारे कमरे हैं, हवादार कमरे हैं, प्योर वाटर सप्लाई का एक हमने प्लांट इधर लगाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम क्लासों में वाटर डिस्पेंसर्स पड़े हुए हैं, बच्चे ये प्योरीफाइड वाटर जो है वही इस्तेमाल करते हैं, आम टैप्स का पानी बच्चे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तमाम बच्चे यहाँ लाइन अप होते हैं अपनी अपनी क्लास के हिसाब से, और उनके साथीदा बिल्कुल उनके अगेंस्ट सामने बैठे होते हैं। इसी में इनको दुआओं का कोर्स जो हमने शामिल किया हुआ है अपने हिफ्ज़ के निज़ाम में, कोई 70 के करीब दुआएं हैं वो इनको याद करवाई जाती हैं, और मुख्तलिफ बच्चों से वो सुनी भी जाती हैं। हम पाँचवीं के बाद बच्चों को यहाँ दाखिला देते हैं हिफ्ज़ में। एक बच्चे ने जो कम से कम मुद्दत में हमारे यहाँ कुरान पाक हिफ्ज़ किया वो 11 महीने और 4 दिन में किया, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल की एवरेज तो बहुत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का अपना इम्तहान भी होता है, विफाकुल मदारिस का इम्तहान भी होता है, और विफाकुल मदारिस के इम्तहान में अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का 98%, 99% और बाद मरतबा 100% भी रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम इस वक्त कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं ये तजवीद की क्लास है, जो स्पेशल क्लास तजवीद की लगती है, किताबत आर्ट एंड कैलीग्राफी भी सीख रहे हैं, उसके साथ साथ ये कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना भी सीख रहे हैं। इनका भी एक मुकाबला हुआ
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो एक्सपो सेंटर में मुनक्किद हुआ था उसमें हमारे चार तलबा गए थे। इन बच्चों ने वहां जाकर चार कैटेगरीज थी, चारों में से इन्होंने पोजीशन हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तकरीबन 125 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल महारत रखते हैं फन खताती में और उन्होंने पूरा अरबी के खत सीख लिए हैं, उर्दू के खत की तरफ वो रवा दवा है। जनाब मोहम्मद जुनेद साहब इन तलबा के उस्ताद हैं और वो पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की हुई है फन खताती में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम बच्चों को यहाँ जब दाखिला देते हैं तो सबसे पहले हम इनको नूरानी कायदा तजवीद के साथ पढ़ाते हैं और नूरानी कायदा तजवीद के साथ पढ़ाने के बाद इनका टेस्ट होता है और उस टेस्ट के बाद फिर ये नाजरा में शिफ्ट होते हैं। उसके बाद जब ये देखते हैं हम कि इनका नाजरा ठीक हो गया है तो फिर हम इनको टेस्ट देने के बाद जो कामयाब तलबा होते हैं उनको हम हिफ्ज़ में शिफ्ट कर देते हैं। मैं ऐसे ही दो बच्चों को आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी आज ही टेस्ट दिया था अपना और आज मैंने फिर उनको दोबारा तकलीफ दी है, वो आपके सामने है। अच्छा बेटा आप मुझे बताएं सख्ती से पढ़ने वाले कितने हरूफ हैं? सख्ती से पढ़ने वाले 3 हरूफ हैं, सौद व सीन। नरमी से पढ़ने वाले कितने हरूफ हैं? नरमी से पढ़ने वाले 3 हरूफ हैं, सा व वा। जी आप मुझे बताइए बेटा जज़्म वाले हर्फ को क्या करते हैं? जज़्म वाले हर्फ को अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर सख्ती बगैर मजबूती एक दफा पढ़ते हैं। इसके बेटे आप इज्जत करें। हमजा जबर आता पेश तू अतु हालिफ जीम मत जबर हाज अतु हाज जीम वाव नून मत पेश जून अतु हाज जून नून या से नी अतु हाज जून नी वक अतु हाज जून नी। जज़ाकुमुल्लाह अहसन। ये इन्होंने अभी सिर्फ आपको तकरीबन महीना सवा महीना हुआ सिर्फ नूरानी कायदा इन्होंने पढ़ा। ये हमारा जो फॉर्म है ये एडमिशन फॉर्म है ये बिल्कुल अलग-अलग हो जाता है। इसमें हमने कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं जो दोनों साइड पे लिखी हुई हैं। ये पेरेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है इसको स्टडी करना ताकि वो ये देखें कि उन्होंने बच्चे को लेके चलना किस तरह है। ये हमारा बच्चों का रिपोर्ट कार्ड है। ये हमारे साल में 3 इम्तिहान होते हैं, तीनों इम्तिहानों में इसको फिल किया जाता है। इसमें आप ये देखेंगे कि मार्किंग जहाँ होती है वहाँ किस किस चीज़ में इनके यूनिफॉर्म की मार्किंग है, इनकी सफाई सुथराई की मार्किंग है, इनकी खुशखती की है, इनकी कंप्यूटर की मार्किंग है, इनकी शोबा हिफ्ज़ की और तजवीद की मार्किंग है। ये सारे इनके नंबर लगते हैं और आखिर में इसका टोटल होता है जिस तरह आम रूटीन में होता है। ये हमारी एक फ़ाइल है जो शोबा हिफ्ज़ के हर आने वाले बच्चे के साथ जाती है, यूनिफॉर्म का हिस्सा है ये बैज हमारा। उसके साथ साथ चूँकि हमने खुशखती हर बच्चे के लिए लाजमी करार दी हुई है तो ये पेन कटा हुआ साथ ही जाता है बच्चों के और ये पहले दिन से डे 1 से बच्चे खुशखती का काम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा मसनून दुआओं का कोर्स है, ये 70 के करीब इसमें दुआएं हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमे के साथ हैं, सलीस तर्जमे के साथ भी और लफ्जी तर्जमे के साथ भी। ये एक हमारा यौमिया कैफियत नामा, इसमें रोज़ की रिपोर्ट होती है बच्चों की जो वालदैन के पास ये डायरी जाती है। इसमें ये लिखा होता है कि बच्चा आया है नहीं आया है, लेट आया है टाइम पे आया है और आखिर में इसमें एक महाना रिपोर्ट दरमियान में लगी होती है और महाना रिपोर्ट पे फिर नाजिम साहब के भी साइन होते हैं, वालदैन के भी होते हैं। अल्लाह ताला सबको इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाएँ।